हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कड़छी का कमाल में। आज हम बनाएंगे चिकन भरता। इसे आप रोटी, नान या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं आज की रेसिपी चिकन भरता। एक पैन में 2 गिलास पानी डालकर हम उसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हम पहले अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद ही बॉयल करेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक और 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। 20 मिनट बाद हम चिकन को निकाल लेंगे और स्टॉक को बाद में ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। चिकन अच्छे से गल गया है, अब हम इसके रेशे को कांटे की मदद से निकाल लेंगे या फिर हाथों से इस तरह निकाल लेंगे। अब एक पैन में 3 चम्मच तेल डालकर इसे गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे चला लेंगे। जीरा के चटकते ही 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे हमने पीस लिया है, डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। दो तीन मिनट बाद हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कढ़ाई से घी न छोड़ने लगे। प्याज अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब हम 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे। टमाटर अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। मसालों में हमने यहाँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे मसालों को पकने तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच दही को फेंट के डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही के मिक्स होते ही इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे, नमक हमने चिकन बॉयल करने के समय भी डाला था और हम उसी पानी का यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें ग्रेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। इसे एक बार खोल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ में 2 चम्मच काजू बादाम की पेस्ट और 2 चम्मच चिकन मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। चिकन को हम जितना ज़्यादा भूनेंगे उसका स्वाद उतना ही अच्छा आता है। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच अमूल क्रीम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन बनके तैयार है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।